हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 से एक पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं, एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। और काफ़ी फनी बात यह है कि इस पोएम का जो टाइटल है वो खुद द पोएम है, मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है द पोएम। और यह एक पोएट्री है, यह एक पोएम है और इसको लिखा गया है एमी लोवेल के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे जो ऑदर एमी लोवेल हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गैदर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी पोएट्री की तरफ आएंगे। सो एमी लोवेल वॉज एन अमेरिकन पोएट हु वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज़ आफ्टर हर डेथ इन 1926। तो इसे क्या पता चला कि एमी लोवेल एक महिला हैं और ये एक अमेरिकन पोएट थी। इनके मरने के बाद पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था 1926 में। इन दिस पोएम द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ ट्विग। इस कविता में जो हमारी ऑदर हैं, जो हमारी स्पीकर हैं, वो एक टहनी, एक पेड़ की डाली, एक पेड़ की शाखा, एक पेड़ की टहनी, ट्विग के बारे में बात करती हैं। दैट ही सी बिलीव्स मस्ट बी प्लांटेड। और उनका मानना है कि इस पेड़ की डाली को, इस पेड़ की टहनी को अवश्य ही प्लांट किया जाना चाहिए, इसे कहीं ना कहीं मिट्टी में रोपा जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, नर्चर्ड, उसकी देखभाल की जानी चाहिए। एंड अलाउड टू ग्रो इनटू अ टॉल बुश, और उसे नर्चर करके, उसका पालन पोषण करके, उसे एक बड़ा सा झाड़ीदार पेड़ बनने देना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट अलाउ इट वाटर एंड सनशाइन, अगर हम इसे पानी नहीं देते हैं और इसे धूप नहीं देते हैं, एंड शट इट इन अ क्लोजेट इंस्टेड, और इसे हम लोग किसी क्लोजेट या किसी स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं, देन इट विल ड्राई एंड विदर अवे, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्विग है, ये जो पेड़ की टहनी है, वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा और मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द पोएम सीम्स टू डील विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ ट्विग, और ये जो हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं, इस पोएट्री को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि कैसे एक पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा प्लांट ग्रो हो सकता है, है ना, यही चीज़ बताई गई है हमारे इस पोएट्री में। बट इट गुड ऑल्सो रेफर टू द वे अ पोएम गेट्स रिटन, लेकिन इस तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक पोएट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे छोटा सा शुरुआत होता है, फिर उस तरह से एक पूरी पोएट्री को लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पोएट्री पे। तो पोएट्री को हम लोग टोटल देखेंगे, ये दो स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। स्टेंजा नंबर 1 जो है वो बड़ा है और स्टेंजा नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा छोटा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेंजा से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, मैं लाइन बाई लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये केवल एक छोटा सा ट्विग है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। आप लोगों को मैं ट्विग को काफ़ी अच्छे से समझाना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपको लोगों को ले जाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग ट्विग कहते हैं, जो पेड़ की जो छोटी छोटी शाखाएँ, छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विग कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, यह सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। विद अ ग्रीन बड एट द एंड, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े के सबसे एंड में, सबसे अंत में क्या है, एक छोटी सी कली है, छोटी सी कली है, एक बड है। मैं बड भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये लकड़ी का एक क्या है, एक ट्विग है, और इस ट्विग पे क्या निकला हुआ, ये बड निकला हुआ, ये बड है। अब कहने का मतलब, जब अगर हम इस टहनी को किसी जगह पे ले जाके मिट्टी के अंदर इसे रोप कर देते हैं, इसे प्लांट कर देते हैं और इसे पानी देते हैं, इसे सूरज की रोशनी देते हैं, तो यहीं ये जो बर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं से क्या निकलने लगते हैं, फूल निकलने लगते हैं, फल निकलने लगते हैं, और ये धीरे धीरे एक बड़ा सा पेड़ में ग्रो हो जाता है। वही चीज़ हमारे पोएट्री में आगे बताई गई है। सो इट्स ओनली अ लिटिल ट्विग
विद अ ग्रीन बड एट द एंड। यह सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी का ट्विग है, इसके अंत में क्या है, एक कली है, एक ग्रीन कली है। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसे रोपते हैं, इसे कहीं पे लगाते हैं, एंड वाटर इट, और इसे पानी देते हैं, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और इसे आप वहाँ पे लगाते हैं जहाँ सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती हो, इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, तब ये क्या हो जाएगा, एक बड़े से झाड़ीदार पेड़ में बदल जाएगा। आपको मैं एक बड़ा सा झाड़ीदार पेड़ भी दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो, है ना, वो छोटा सा ट्विग में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, विद मेनी फ्लावर्स एंड लीव्स विच थ्रस्ट हिदर एंड दिदर स्पार्कलिंग। अब देखो, जब ये बड़ा सा झाड़ीदार पेड़ बन जाएगा तो उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे, है ना, और उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए होंगे जो कि एक दूसरे के अंदर थ्रस्टेड होंगे, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होंगे, है ना। हिदर और दिदर कहने का मतलब यहाँ वहाँ, तो जो पत्ते होंगे वो यहाँ वहाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होंगे, और वो काफ़ी चमकदार होंगे, काफ़ी चमक रहे होंगे। आपको ये दिख रहा होगा, इसको अगर आप केयरफुली देखोगे, इस प्लांट के जो लीव्स हैं ये चारों तरफ इसके हिदर एंड दिदर, हेयर एंड देयर फैले हुए हैं, और इसके जो लीव्स हैं वो कितने ग्रीन हैं और कितने चमकदार दिख रहे हैं, है ना, और इसमें क्या लगेंगे, फूल लगेंगे। तो आपको पिक्चर यहाँ पे भी आपके बुक में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे भी ये, जब ये जो छोटा सा ट्विग, इसको क्या किया गया है, इसे प्लांट कर दिया गया, इसे पानी दिया गया है, तो ये कन्वर्ट हो गया है ये बड़े वाले वृक्ष में, और इसमें फूल लगे हुए हैं, इसके इसमें काफ़ी सारे लीव्स, काफ़ी सारे पत्ते भी लगे हुए हैं। आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। From its roots will come freshness, और इसके जड़ से क्या आएगी, ताजगी महसूस होगी, ताजगी आएगी। And beneath it the grass blades will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind. और बताया गया है कि ये जो एक बड़ा सा झाड़ीदार लंबा सा पेड़ हो जाएगा, उसके अंदर जो ग्रासेस होंगे वो हवा जब बहेगी तो एक दूसरे के ऊपर क्रैश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, है ना, और फिर से अपने पुराने स्टेज में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। अब आपको ग्रास ब्लेड्स का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ आपका क्या, ग्रास, ये क्या हुआ, ग्रास, और ये जो ग्रास के जो पत्ते निकले हुए हैं, है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेड्स कहते हैं। तो ये ग्रास ब्लेड्स क्या करते हैं, जब हवा बहती है तो ये मूव करते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और लेकिन जब हवा बहना बंद हो जाती है तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू सेकेंड एंड लास्ट स्टेंजा। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग एंड थ्रो इट इन टू अ क्लॉजेट, लेकिन यहाँ पे हमारी ऑदर कहती हैं कि अगर आप ये जो छोटी सी जो ट्विग है, जो पेड़ की जो टहनी है, इसे आप ले लेते हो और एक क्लोज़ेट, एक स्टोर रूम में जो है ना बंद कर देते हो, जहाँ पे धूप नहीं लगता, जहाँ पे मिट्टी नहीं हो, है ना, उसमें अगर आप उसे फेंक देते हैं, विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, मतलब माउस ट्रैप्स कहने का मतलब चूहेदान जो होता है, चूहादान होता है जिसके जिसमें हम लोग चूहे को ट्रैप करके उसे मारते हैं, और ब्लंटेड टूल्स कहने का मतलब वैसे औजार जो कि क्या हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, जिसमें अब कोई धार नहीं है, मतलब उतना शार्प नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रखी जाती है, स्टोर रूम में रखी जाती है। तो अगर आप इस लकड़ी के ट्विग को, आप इस ट्विग को एक ऐसे स्टोर रूम में रख देते हो जहाँ पे चूहेदान पड़े हैं, जहाँ पे ब्लंटेड टूल्स पड़े हैं, इट विल श्राइवल एंड वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, श्राइवल। अब कुछ श्राइवल का मतलब यहाँ पे दिया गया है, ड्राई एंड रिंकल्ड, ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और इस पे रिंकल पड़ जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एंड सम डे, और फिर कभी किसी दिन आप क्या करोगे, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलोगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, आपको क्या लगेगा कि ये जो है ना लकड़ी का ये ट्विग नहीं है, ये लकड़ी की टहनी नहीं है, आपको लगेगा कि ये एक मुड़ा हुआ नेल है, एक कांटी की तरह है। एंड स्वीप इट इन टू द डस्टबिन विद द अदर रबिश, और उस रूम के बाकी सारे रबिश, बाकी सारे कचरे के साथ आप उसे क्या कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। कहने का मतलब एक ट्विग जिसे अगर आप कहीं पे प्लांट कर देते हैं तो वो एक बड़ा सा छायेदार झाड़ीदार पेड़ बन सकता है, जिसमें फल फूल लगेंगे,
उसी को अगर आप किसी स्टोर रूम में डाल देते हैं तो वो एक ट्विस्टेड नेल की तरह वो कचरे में चला जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक ट्विग को हम लोग प्लांट करके एक पेड़ बना सकते हैं और ज़रा सा लापरवाही करेंगे तो वो कचरे में भी तब्दील हो सकता है, कचरे में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस पोएट्री को कंप्लीट कर लिया है। द पोएम नाम का ये जो पोएट्री है लिखा गया है एमिल लोयल के द्वारा। पोएट्री का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।